Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Most wanted mafia. बदन सिंह बद्दो की फरारी अथवा कारोबारों में सहयोगी बने लोगों पर अब पुलिस ने चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। आज गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध बदन सिंह बद्दो के साथी डिपिन सूरी का सुपरटेक पाम ग्रीन स्थित फ्लैट को कुर्क कर लिया गया है। इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई है। दरअसल 28 मार्च 2019 को बदन सिंह बद्दो मेरठ के दिल्ली रोड स्थित मुकुट महल से उस वक्त फरार हो गया था जब मेरठ में पीएम मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे थे। दावा किया जा रहा था कि पुलिस की नज़र चप्पे चप्पे पर है, बावजूद इसके बदन सिंह बद्दो फरार हो गया। तब से लेकर अभी तक वह पुलिस के हाथ नहीं आया है। अलबत्ता वह सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्शाकर पुलिस को जरूर चुनौती देता रहा है। बदन सिंह बद्दो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात सुशील मुच का भी साथी है। आज सुबह पुलिस ने करीब 11 बजे दिल्ली रोड स्थित सुपरटेक पाम ग्रीन पहुंचकर टिपिन सूरी का फ्लैट कुर्क कर लिया। देखिए कुर्की की कार्रवाई। इस बारे में एएसपी विवेक यादव ने यह जानकारी दी। देखिए बदन सिंह बद्दो के सहयोगी है टिपिन सूरी, ये बदन सिंह बद्दो के साथ ही गैंगस्टर एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत है इसके ऊपर। तो इसकी जो अपराध से अर्जित एक संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की ये कार्रवाई है और इसकी अनुमानित कीमत करीब 75 से 80 लाख इसकी मार्केट कॉस्ट है। बताया जा रहा है काफ़ी संपत्तियाँ टिपिन सूरी के नाम है, कितनी ट्रेस हुई? देखिए कुछ संपत्तियों के जब्तीकरण का आदेश हो गया है, अन्य संपत्तियों के संबंध में जो कार्रवाई है वो अभी प्रचलित है और आगे भी आपको ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उम्मीद की जाए सर मेरठ पुलिस ऐसे माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती है। हाँ बिल्कुल, जो भी इस तरह के माफिया हैं, जो भी गैंगस्टर हैं जिन्होंने अपराध से अर्जित करके ये संपत्तियाँ बनाई हैं, उन पर पूरी सख्ती से पूरी कड़ाई से जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाए। सर फाइनेंशियली ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है बदन सिंह बद्दो को, क्योंकि फरारी में ये जरूरी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा इंसान तो उतना टाइम आसानी से काट पाएगा। तो सर फाइनेंशियली कितना भी कब तक अनुमान लगाया जाए कि इसकी कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इसके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी कार्रवाई हो रही है, कब तक हाथ आ सकता है और किस तरीके से पूरे कमज़ोर बनाने का प्रयास किया जाता है? देखिए जैसा कि आपको याद भी होगा कि इस अपराधी एवं इसके सहयोगियों द्वारा एक पार्क पे भी कब्जा करके कुछ अवैध संपत्तियां बनाई गई थी जगन्नाथपुरी में, उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पूर्व में की जा चुकी है थाना टिपी नगर के अंतर्गत ही। इसके अलावा और भी जो सहयोगी हैं उनके जो इस तरह से अपराध से अर्जित संपत्तियाँ हैं कईयों की जाँच हो चुकी है, कुछ की जाँच प्रचलित है और बहुत जल्दी ही सब पे जो भी कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।